स्वाति और आप देख रहे हैं विंध्या टाइम्स। हाई कोर्ट के आदेश की अवहेलना करना रीवा कलेक्टर प्रतिभा पाल को महंगा पड़ गया। नाराज कोर्ट ने 10,000 रुपए का जमानती वारंट जारी कर कलेक्टर को 11 फरवरी को तलब किया है। मामला रायपुर करचुलियान तहसील में पदस्थ एक सेक्शन राइटर के नियमितीकरण से जुड़ा है। कोर्ट ने यह आदेश एक अवमानना याचिका की सुनवाई में दिया है। दरअसल रायपुर करचुरियान और तहसील में पदस्थ सेक्शन राइटर उमेश तिवारी 1997 साल से राजस्व विभाग में पदस्थ किए गए थे। राज्य शासन के एक आदेश पर 2012 में कुशल श्रमिक के मानदेय पर दैनिक वेतन भोगी बना दिया गया था। वर्ष 2016 में ऐसे कर्मचारियों को स्थायी कर्मी बनाए जाने का आदेश राजस्व शासन द्वारा जारी किया गया, जिसके तहत जब रीवा जिला प्रशासन द्वारा उक्त आदेश का पालन नहीं किया गया तो उमेश तिवारी ने हाईकोर्ट की शरण ली। हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता को अभ्यावेदन पर 60 दिन के भीतर स्थायी कर्मी बनाए जाने का आदेश दिया, लेकिन कलेक्टर रीवा ने हाईकोर्ट के उक्त आदेश का पालन नहीं किया। लिहाजा याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट में अवमानना याचिका लगा दी। हाईकोर्ट ने रीवा कलेक्टर प्रतिभा पाल को फिर से 30 दिन का समय देते हुए आदेश का पालन के निर्देश दिए हैं। जब अवमानना याचिका के आदेश पर भी कोई अमल नहीं हुआ तो न्यायमूर्ति द्वारिकाधीश बंसल की अदालत ने कलेक्टर प्रतिभा पाल को व्यक्तिगत रूप से जमानती वारंट जारी करते हुए 11 फरवरी 2024 को तलब किया है। इसके पीछे स्थापना शाखा की गड़बड़ी सामने आई है। याचिकाकर्ता की ओर से हाईकोर्ट में रीवा निवासी अरुणोदय सिंह अंकुर ने पैरवी की थी। हम आपको बता दें कि यह कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी हाईकोर्ट रीवा कलेक्टर प्रतिभा पाल पर नाराजगी जता चुकी थी। एक गाड़ी के रिलीज करने का मामला था, हाईकोर्ट के आदेश पर गाड़ी रिलीज नहीं की गई। अवमानना याचिका में भी गाड़ी रिलीज करने का आदेश दिया गया, लेकिन उसका पालन नहीं किया गया। तो कोर्ट ने व्यक्तिशः तलब किया था और नाराजगी भी जाहिर की थी। बहुत बहुत धन्यवाद।